बीजेपी से बागी होने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री और विधायक मकर संक्रांति के मौके पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा में शामिल होने वाले बीजेपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान समेत कई विधायक अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी का टिकट 11 मार्च तय है, लेकिन ये डर के मारे पहले ही गोरखपुर चले गए हैं। इनका जाना भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने यूपी को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव आगे ये भी कहते नजर आए कि 80 और 20 की बात होती है, 80% तो समाजवादी पार्टी के साथ ही खड़े हैं। जिन जिन लोगों ने आज हमारे साथ खड़े लोगों को देखा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें सुनी होगी, अब 20% भी हमारे साथ आ गए होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। आज पेट्रोल 100 से पार है और जिस कंपनी का पेट्रोल डीजल है, इनके गलत फैसलों की वजह से 600% मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले अगर महीनों का आकलन करें तो 600% मुनाफा कमा रहे हैं और ये गरीबों की जेब को काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जहां कई मौके हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सी बातें अभी कही जा चुकी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच पे बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है बदलाव के लिए, बैठी है जनता बदलाव के लिए बैठी है, जनता परिवर्तन चाहती है। यही नौजवान यहां पर आए अपने हक और सम्मान मांगने, एक एक नौजवान को लाठी मारी गई, अपमानित हुए और न जाने कितने लोगों को मुकदमे से डराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो ठोकर राज चला रही, जो मुकदमों से डरा रही है, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया, किस जमाने का वारंट इशू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के, उनका जब से साथ मिला है लगातार उनकी जांच हो रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी, छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को, जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता।